बेताब दिल जिसके लिए उसकी तरफ हम चल दिए आंखें नम दिल में है गम अपने कदम सुए हरम सुए हरम अल्हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ناظرين الكرام الله وحده لا شريك له رحمت उसकी शफ़त के माहर किने नहीं जा सकते इबादात में तनवु इबादात की मुख्तलफ़ अकसाम का होना ये भी अल्ला वाशरी की रहमत और उसकी शफकत का ही मधर है बैतुल्ला का हज हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है दिली तमन्ना है हर मुसलमान का दिल हरमैन की तरफ लबका चला जा रहा है शायद इसकी और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं लेकिन सरफरिस्त तो हज़रत इब्राहीम आल सलाम की वो दुआ है जिसमें हज़रत इब्राहीम आ सलाम ने फ़रमाया था फ़जालफ इदतमा अल्लाह लोगों के दिल इस तरफ फेर दे अल्लाह शरीक ने हज़रत इब्राहीम वसलाम की दुआ कबूल फरमाई और अहले ईमान का दिल हरमैन की तरफ लपकता है बैतुल्ला की जीारत को तरसता है और फिर हज में तनव मुख्तलिफ किस्में होना ये भी अल्लाह वाशरीक की रहमत और उसकी शफकत के मज़ाहिर में से एक मजहर है हज तीन किस्म क्या होता है एक हज अफराद और एक हज किरान और तीसरी किस्म हज तमत्तो नादरीन मोहतरम हम ये तीनों किस्में अलग अलग शुरू से आखिर तक इसलिए बयान करेंगे कि नादरी में से कोई शख़्स भी इन में से कोई किस्म की अदायगी का इरादा रखता हो तो उसके लिए सहूलत और आसानी हो सबसे पहले हज अफराद है यानी सफ़र में सिर्फ़ और सिर्फ़ हज करना ऐसे हाजी को मुफरद कहते हैं यानी हज अफराद करने वाला हाजी अहराम जेब तन करेगा यानी सिले हुए कपड़े उतारकर दो सफ़ेद अनसिली चादरें पहनेगा इसके लिए सहूलत ये है कि अगर घर से ही ये पहन ले नियत मीकात पे जा के कर ले तो कोई हर्ज नहीं अगर घर से तो कपड़ों में निकला है एयरपोर्ट पर जाकर सिले हुए कपड़े उतार के जहाज़ चलने से पहले पहले दो अनसिली सफ़ेद चादरों को जेब तन कर ले तो भी ठीक है और अगर इसका सफ़र करीब का है मिसाल के तौर पे अगर मदीना मुनवरा से ये उम्रा के लिए निकला है तो ये सफ़र इसका हवाई सफ़र नहीं है यह मीकात में पहुँच कर तसली से वहाँ कपड़े तब्दील कर सकता है अहराम की चादरें पहन सकता है हवाई सफ़र की सूरत में पहले चादरें जैब तन कर ले और जब मीकात से जहाज़ गुज़रने लगे तो वहाँ हज की नीयत कर ले हज मुफरत करने वाला नीयत के अल्फाज कुछ यूँ अदा करेगा अल्ला लब्बई का हजन मस्तहब यह है कि मक्का पहुँच कर पहले आराम करे अगर मुयसर हो तो गुस्ल कर ले नहा ले और याद रखे कि किराम की कुछ पाबंदियाँ हैं के कुछ आदाब हैं अराम के आदाब में से ये है किराम बांधने से पहले जिसम के गैर ज़रूरी बाल वगैरह साफ़ कर ले नाखून काट ले और अपने जिसम को खुशबू लगा ले अगर मयसर हो मैसर हो तो गसल कर ले और पाबंदियाँ ये हैं कि किराम की नीयत करने के बाद बाल नहीं काटेगा नाखन नहीं काटेगा खुशबू नहीं लगाएगा सर नहीं ढांपेगा और शादी या मंगनी के बारे में गुफ्तु या इसमें कोई अमली हिस्सा नहीं लेगा जमा यानी मी या बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं करेगा तो ये चंद आम एहराम की पाबंदियां हैं इसका भी लिहाज करेगा मक्का मुकर्रमा पहुंचकर गसल वग़ैरह करके हरम की तरफ़ रवाना हो जाए और सबसे पहले तवाफ करे याद रहे कि आम मसाजिद का हुक्म ये है कि जब आम मसाजिद में जाते हैं तो दो रकत नमाज़ अदा की जाती है मस्जिद लेकिन मस्जिद हराम का तहैया ये है कि वहाँ जाके इंसान तवाफ़ करे तो सबसे पहले हाजी पहुँचते ही तवाफ करेगा यहाँ बाज़ चीज़ों की वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि बैतुल्ला को देखते ही दुआ के बारे में कुछ रवायात का तस्करा किया जाता है और कुछ लोग उन रवायात को ज़ईफ़ समझते हैं ताहम दुआ की कबूलीत का ताल्लुक़ इंसान की दिली कैफियत के साथ है दिली कैफ़ियत अगर बहुत ख़ूबसूरत बन गई है दिल बहुत नरम पड़ गया है रकीक हो गया है तो ऐसी सूरत में दुआ की कबूलियत के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं कोई शक नहीं कि जब काबा पर नज़र पड़ती है बैतुल्ला पे नज़र पड़ती है तो इंसान की अंदरूनी कैफियत तब्दील हो जाती है ऐसी सूरत में अगर कोई दुआ करता है तो इन यही तो की जा सकती है कि ये कबूलीत का वक्त होगा कोई दुआ कर ले तो कोई हरज नहीं ता हम तवाफ का या तवाफ की इब्ता इस तरह करें कि हजर असद को अपनी बाई तरफ रखते हुए तवाफ़ शुरू करे तवाफ़ का हर चक्कर हजर असद से शुरू होकर हजर असद पर ही ख़त्म होता है और ये भी याद रहे के बैतुल्ला की तरफ़ तवाफ़ के लिए जाते हुए कोशिश करें कि लोगों के कंधों के ऊपर से फलांगते हुए न जाएं, बल्कि बड़े बड़े दरवाज़ों के सामने राहदारियाँ बनी हुई हैं उन राहदारियों से चलते हुए सुकून के साथ मताफ में पहुँचें जहाँ तवाफ किया जाता है काबे के इर्द गिर्द उस जगह को मताफ़ कहते हैं हजरत असवद की निशानदेही हाजियों की दाई तरफ या मताफ के दाई तरफ भी सबज़ लाइट लगा के कर दी गई है अगर हजर असद का तयन बाई तरफ मुश्किल होता नज़र आए रश की वजह से तो अपनी दाई तरफ सबज़ लाइटें देख ले वहाँ से बसमिल्ला ही अल्लाह अकबर कह के तवाफ़ का आगाज़ करे अगर मैसर हो ज़्यादा रश ना हो तो बेहतर है कि हजर असद को बोसा दे और अगर भोसा देना मुश्किल है लेकिन ये मुमकिन है कि हजर असवद को हाथ लगा ले तो ये भी अच्छा है अगर ये दोनों ही बातें मुमकिन नहीं हैं दूर से इशारा करके इसको इस्तिलाम कहते हैं दूर से इशारा ही कर दे हाथ से दाएं हाथ से और सिर्फ़ एक हाथ से बाज़ हाजियों को देखा गया है कि दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करके वहाँ खड़े हो जाते हैं और फिर खड़े होकर के तसली के साथ बस्मिल्ल अल्ला अकबर कहते हैं नाजरीन कराम इस वजह से वहाँ का डिसप्लिन और निज़ाम मुतासर होता है आपको पता है कि मताह में जब रश होता है तो लोग सारे के सारे चल रहे होते हैं और इस तरह लोगों का खड़े होकर इस तरह करना इससे सारे का सारा निज़ाम मुतासर होता है तो लिहाजा ऐसी सूरत में चलते चलते हाथ का इशारा कर करके बिसमिल्ल अल्ला अकबर कह लेना काफ़ी है वहाँ बकायदा खड़े होकर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ ये भी देखा गया है कि लोग लाइन में लग जाते हैं हजर असवद को बोसा देने के लिए बल्कि इससे भी ज़्यादा दक्कम पेल होती है वहाँ चीहो पुकार भी सुनी जाती है ये सारी की सारी चीज़ें हज के मुनाफी हैं

ज़िक्र अजकार करने में लोगों को परेशानियाँ आती हैं इन सारी चीज़ों से इजतनाब करते हुए तवाफ शुरू कर देना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए तवाफ में जो दुआएँ आती हैं करते रहें कुरान पढ़ते हैं कुरान पढ़ते रहें अल्लाह का जिक्र करते हैं जिक्र करते रहें सुबहानल्ला हमदही पढ़ते रहें या आप अपनी ज़बान में अल्लाह तला से कुछ मांगते रहें दुआएँ करते रहें इसके लिए कोई ख़ास अजकार मौजूद नहीं है लोगों ने अपनी तरफ़ से हर चक्कर के लिए अलग अलग अजगार बना के लोगों को मशक्क़त में डाल दिया हुआ है लोग किताबें उठाए फिरते हैं और डरते हैं कि कहीं एक चक्कर की दुआ दूसरे में ना चली जाए ये सारे का सारा तकल्लुफ़ ये सारी की सारी चीज़ें लोगों की बनाई हुई हैं शरीयत में इनका कोई जिक्र नहीं है सिर्फ़ रुकन यमानी से लेकर हजर असवद तक दुआ मसनून है रबाना आसनाफ़िल दुनिया हसनत हसन तफिल आख़िरत हसन तकी अज़ाब नव बस इतनी दुआ रुकने यमानी से लेकर हज़रे असवद तक मसनून है और जब तवाफ़ शुरू किया था हजर असद से याद रहे कि काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ करना है बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो जगह जो गुलाई में पत्थर लगे हुए हैं जिसको हिजर इस्माइल भी कहते हैं या जिसको हतीम कहते हैं असल में वो जगह तो बैतुल्ला की है लेकिन किसी वजह से शुरू से ही छोड़ दी गई है उसमें बैतुल्ला की तमीर नहीं की गई वो बैतुल्ला की जगह है तवाफ उसके ऊपर से होना चाहिए अगर किसी ने अंदर से जाके तवाफ का चक्कर लगाया है तो ये चक्कर उसका नामुकम्मल है इसको दोहराया जाएगा जब रुकने यमानी के पास पहुँचे तो अगर वहाँ रश नहीं है तो उसको सिर्फ़ हाथ लगा ले चूमना मसनून नहीं है ना ही साहबा कराम से या नबी अलैहि वसल्लम से या ताब से सेबत है सलफ़ सालेहीन से इसका भी कोई सबूत नहीं मिलता लिहाजा रुकन यमानी को हाथ लगा ले उसको चूमना नहीं है फिर आगे बढ़े और आतिना आतनाफ़िर दुनिया हसन वफ़िल आख़िरत हसन वकीाबनार कहते हुए और हजर असवद तक इसका ये पहला चक्कर हो गया इसी तरह सात चक्कर मुकम्मल करे सात चक्कर मुकम्मल करने के बाद तवाफ की दरकत अदा करे जो कि मुकाम इब्राहीम पर अदा करनी होती हैं मुकाम इब्राहीम आज कल एक छोटे से मनार या गुंबद की शकल में मताफ़ के अंदर खड़ा है जो हकीकत में पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम व सलाम के दो पाँव के निशान हैं उस पत्थर के ऊपर शीशे का खोल और उसके ऊपर धात का खोल चढ़ा दिया गया है और एक छोटे से मीनार की सूरत में मताफ़ के अंदर खड़ा है वहाँ अगर जगह मयसर हो तो दो रकत वहाँ अदा कर ले अगर इसमाम है रश है वहाँ जगह मयसर नहीं है तो ऐसी सूरत में जहाँ भी जगह मिलती है तवाफ़ तो की दो रकत अदा कर ले उसके बाद सफा मरवा की तरफ जाए सफ़ा पर खड़े होकर इन्ना सफ़ा मरवा तमिन शाय कहे और अगर ये भी मैसर हो कि अब दाऊ बिमा बद अल्ला यह भी कह लें कि नबी सलील वसलम ने भी ऐसा ही फरमाया था और उसके बाद ये कहे लाला वद ला शरीक व लहुल हमदु युही व्यूमी तो शैइन कदीर ला वद अनज़ा وحده व وعده ونصر عبده व हज़म वाहद और इसके बाद किबला रुख खड़े होकर जितनी दुआएँ ये कर सकता है दुआएँ करे गिड़गड़ाए ताला से मांगे दुनिया और आखरत की नेमतें मांगे और फिर मरवा की तरफ़ रवाना हो जाए सफ़ा से मरवा जाते हुए रास्ते में दो सबज लाइटें हैं पहले लाइट जहाँ से शुरू होती है वहाँ से ज़रा जल्दी के अंदाज़ में भागने के अंदाज में चले बाज़ लोग बेतहाशा दौड़ते हैं यहाँ बेतहाशा दौड़ने की ज़रूरत नहीं देखा गया है कि यहाँ ख़वातीन भी दौड़ लगा देती हैं नहीं यहाँ जल्दी जल्दी चलना मर्दों के लिए मशरू है औरतें अपनी नॉर्मल चाल में और आम चाल में ही चलती रहेंगी मर्द हजरात ज़रा भागने का अंदाज़ इख्तियार करके जल्दी जल्दी चलते हुए दूसरी सबज़ लाइट तक जाएंगे और यहाँ तक के मरवा तक पहुँच जाएँ इसी तरह मरवा पर पहुँच कर भी दुआएँ करें कि दारो खड़े होकर वहाँ जो मुयस्सर हों दुआ करें अल्लाह ताला के सामने गिड़गड़ाए अब इसका ये सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर मुकम्मल हो गया इसी तरह मरवा से सफ़ा की तरफ इसी तरह ही आएगा और सब्ज़ लाइटों के दरमियान इसी तरह ही तेज़ तेज़ चलेगा ये दूसरा चक्कर शुमार होगा इसी तरह सफा और मरवा के साथ चक्कर लगाएगा चूँकि ये हज अफराद करने वाला है अब सफा मरवा का की सही करने के बाद ये बाल वगैरह नहीं कटवाएगा और ना ही सर मडवाएगा बदस्तूर ये अहराम में रहेगा आठ हज़ा को मिना रवाना हो जाएगा जिसको योम तरविया कहते हैं मिना में हर असर मगरब ऐशा और फजर पड़ेगा दूसरे दिन नौ हज़ा को हर से पहले यहाँ से रवाना हो जाएगा और जहर की नमाज़ और असर की नमाज आरफात में जाकर तमाम हाजियों के साथ इकट्ठी जमान और कसरन पड़ेगा मैसर हो तो मस्जिद में जाके इमाम साहब का खुतबा सुने जमात के साथ नमाज़ अदा करे अगर रश की वजह से वहाँ पहुँचना ना हो तो जहाँ ये रह रहा है वहीं दोनों नमाज़ें जमात के साथ अदा कर ली जाएँ कसर और जमा यानी दोनों को इकट्ठा पढ़ लिया जाए वकूफ़ आराफ़ा, यानी मैदान अरफात में गरूब शम्स तक ये ठहरेगा जो ही सूरज गरूब होगा अब मुस्तलफा की तरफ रवाना हो जाएगा रात मुज़दलफा गुजारेंगे और मुज़दलफा फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी सी जब रोशनी फैल जाए तो मुज़दलफा से मीना की तरफ़ रवाना हो जाएंगे मीना में जब पहुँचेंगे तो ये दस हज्जा होगी पहले जमरा को सात कंकरियाँ मारेंगे और कंकरियाँ मारने के बाद मीना में अपने अपने खेमों में चले जाएँगे और तवाफ़ जिन्होंने तवाफ़ इफाज़ा या तवाफ़ ज्यारत करनी है वो तवाफ़ इफाज़ा या तवाफ़ ज्यारत कर लेंगे और अगर किसी ने पहले सही सफा मरवा की सही नहीं की तो इस दिन वो सफा मरवा की सही कर लेंगे बाकी अयाम तशरीक यहाँ गुजारेंगे ग्यारह बारह और तेरह रोज़ाना जवाल आफ्ताब के बाद तीनों जमरात को पहला दूसरा और तीसरा तीनों जमरात को सात सात कंकरियाँ मारेंगे हर कैंकरी पर हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहते हुए कैंकरी मारेंगे और याद रहे कैंकरी बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और इंतहाई छोटी भी नहीं होनी चाहिए चने के दाने के बराबर अगर इससे ज़रा थोड़ी बड़ी भी हो जाए तो ठीक है साथ साथ कंकरियाँ मारेंगे तीनों जमरात को और इसके बाद मक्का रवाना हो जाएंगे अयाम तशरीक बारह को अगर कोई चला जाए तो कोई हर्ज नहीं अगर तेरह की कैंकरियाँ मार के चले जाएँ तो भी ठीक है वापसी से पहले जब वापसी का इरादा होगा तो वापसी से मुतसल पहले तवाफ़ विदा किया जाएगा और तवाफ़ विदा ये हज के वाजबात में से है अगर किसी से ये तवाफ़ रह गया तो उसको इसका फदिया देना होगा ताहम खी अगर किसी वजह से तोाफ़ विदा नहीं कर सकें अयाम खास की वजह से सफ़र की तरतीबात ऐसी थी कि इन्हें निकलना ही था और उधर से इनके अयााम खास भी शुरू हो गए हैं ऐसी सूरत में ये तवाफ़ विदा ख़वान से साखत हो जाएगा तो इस तरह ये हज़ अफराद मुकम्मल हो गया ऐसे हाजी को मुफरद कहते हैं यानी हज़ अफराद नाजरीन आपने सुना कि ऐसा हाजी कुर्बानी नहीं करता इस पर कुर्बानी नहीं होती बाकी हज के आदाब तमाम के तमाम के लिए मुश्तरक हैं मिसाल के तौर पर फमन हज फलमफ़ व्यफसुक् रजा मिन मिनजुलूबी कमी वलदत हो उम्मूहू ओ कमा कले वसलम अगर कोई हदूद वकूद का ख्याल करके हज करता है और इन चीज़ों का ध्यान करता है कि अल्लाह की नाफ़रमानी ना हो किसी को अजियत ना दे कोई खिलाफ वर्जी ना हो तो ऐसा हाजी हज करके जब वापस जाएगा तो गुनाहों से इस तरह पाक और मासूम होगा जिस तरह उस दिन पाक और साफ था गुनाहों से ये मासूम था जिस दिन इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था हजाज को कोमूम डिसप्लिन की पाबंदी करना चाहिए देखा गया है कि सऊदी हुकूमत के क्राम के लिए बेानतहा सहूलतें मुहैया करने की कोशिश करती है आरफात में मीना में मुजलफ़ा में पानी जूस और दूध वगैरह मुहैया किया जाता है पैक्टों की सूरत में बोतलों की सूरत में देखा गया है कि जाज कराम पानी पी कर बोतल वहीं फेंक देते हैं जूस पिया तो डब्बा वहीं फेंक दिया जिससे रास्ते आलूदा हो जाते हैं गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है वहाँ नकलो हरकत मुश्किल हो जाती है हाजियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि हर शख़्स जो उसके पास बोतल थी जिससे उसने पानी पिया उसको अपने पास संभाल ले शापर वगैरह में रख ले जगह जगह थोड़े थोड़े वक्फे पर बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं कूड़ा किरकत डालने के लिए तो क्या ही अच्छा हो कि ये अहबाब रास्तों में चीज़ें फेंकने की बजाय अगर वहाँ डालें ये भी आसानी में रहेंगे और दूसरे जहाज कराम भी आसानी में रहेंगे के रास्ते में आलूदगी फैलने की वजह से किसी को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा हज हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है अगर हम पहले से डिसिप्लिन के आदी नहीं हैं तो हज करने के बाद तो हमारे अंदर ये मुसबत तब्दीली आनी चाहिए कहा कि हमें डिसिप्लिन की आदत पड़ जाए हम डिसिप्लिन सीख के आएँ हज डिसिप्लिन इस तरह सिखाता है कि हर काम तरतीब से करना है हर काम वक़्त पर करना है एक ख़ास तरीके से करना है यही डिसिप्लिन होता है तो इंसान की सारी ज़िंदगी डिसिप्लिन और निज़ाम होना चाहिए सारी ज़िंदगी इंसान को निज़ाम और डिसिप्लिन के मुताबिक ही गुजारनी चाहिए तो हज हमें डिसिप्लिन सिखाता है तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि हज में जा के हम ऐसा सलूक करें कि वहाँ देखने वाले देखें कि कोई ऐसी कॉम हज करने के लिए आई है जो डिसिप्लिन और निज़ाम के नाम तक को नहीं जानती इससे हमारी भी बदनामी है हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमारे भाइयों को भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम हज उस तरह करें जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की मंशा और उनकी रज़ा है वबिल तौफ़ी वसलम आलकमल वबरक हो बरसों से मन में आस थी। आंखों में जो एक प्यास थी बेताब दिल जिसके लिए उसकी तरह हम चल दिए आंखें हैं नम दिल में है गम अपने कदम सूए हरम